यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। गाइस आज हम लोग दोबारा से कर जा रहे हैं पोकेमोन फायर रेड। और लास्ट एपिसोड में गाइस आपको याद होगा गाइस कि मैं ब्रिजन फोर्ट से गाइस बाहर आ गया था पीटर सिटी में। और आज की वीडियो में गाइस मैं जा रहा हूं गाइस ब्रॉक के पास बिल्डिंग बैच जीतने के लिए। चलिए गाइस बिना किसी के चलते हैं ब्रॉक के पास, लेट्स गो। ओके तो गाइस गाइस कि मैं ब्रॉक के पास जा रहा हूं आराम आराम। ठीक है गाइस, मेरा गाइस जो गाइस लेवल 11 का है मेरे ख्याल से गाइस कि मैंने अपने स्क्वाड अपने स्क्वाड के साथ इसलिए ये मैच जीत जाऊंगा। वरना गाइस नहीं होंगे बट वही का प्रो चलते हैं ब्रॉक के पास और देखते हैं या तो आर या पार गाइस। तो गाइस या तो मैं तब ब्रॉक इन द मैन। ओके गाइस आप मुझे गाइस कमेंट में गाइस सच्चे से चीज बताना गाइस कि आपको पोकेमोन के साउंड मतलब कि पोकेमोन से गेम के साउंड गाइस कैसे लगते हैं। गाइस ये साउंड एक ऐसा साउंड है गाइस कि कोई कोई भी पोकेमोन ट्रेनर को या फिर कोई भी जो कि पोकेमोन देखता होगा उसको गाइस उस जो काम वो करना चाह रहा होगा उसको जोश लगा देगा गाइस ये साउंड। आप लोग गाइस ध्यान सुनिए ओके गाइस कि मैं गाइस इसके ट्रेनर गाइस की जो ब्रॉक का जो मतलब स्टूडेंट था गाइस उसके गाइस पहले पोकेमोन को गाइस हरा हरा दिया। लेट्स गो, अब चलते हैं गाइस पोकेमोन पर जो कि है गाइस सेंट रूम। ओके गाइस गाइस मैं तो निकल गया और 12 का। ओके बाय जैसा कि आपको बताऊं गाइस कि अगर कोई गाइस अगर कोई भी बंदा हमारी आंखों पर मिट्टी फेंकेगा तब गाइस हम जब उसको देखेंगे तो गाइस हमें वो बहुत दिखेगा दो देखेगा इंशाल्लाह। तो ऐसे गाइस पोकेमोन गाइस होता है कि एक गाइस अटैक का नाम है जिसका नाम है गाइस सैंड अटैक। और वो अटैक गाइस क्या होता है मिट्टी गाइस कोई पोकेमोन गाइस मिट्टी को अपने पैर से ऐसे करता है तो वो दूसरे पोकेमोन को सीधा आँखों में जाके रखते हैं गाइस। और मेरे दोस्त ने भी गाइस सैंड अटैक मेरे स्कूटर के जाके आंखों में लग गया जिसमें गाइस कि पहला मेरा बबल टैग है इसमें सो गया। अब देखते हैं गाइस कि मैं इसको खराब बताऊं या फिर नहीं। गाइस इस तरह है स्पेस को गाइस कि मैं बॉल में इसको लग गया गाइस लेट्स गो गाइस मैंने ब्रॉक के स्टूडियो गाइस हरा दिया है। ओके गाइस देखते हैं गाइस ओके मेरा टोटल लेवल 13 गाइस हो चुका है। ओके गाइस तो फोटो का लेवल हो चुका है। गाइस
मेरे ख्याल से इसने मुझे कम दिए बट 220 रुपीज। मैं बस तो बने गाइस चलते हैं। ओके तो गाइस मैंने गाइस गाइस आप लोग सोचो गाइस ये बंदा बाहर क्यों आ गया। तो इसलिए बाहर क्यों आप लोग सोचो गाइस कि मेरे पोके में सोचो गाइस हेल्थ कितनी ज़्यादा कम हो चुकी गाइस। मैं जा रहा हूँ गाइस फटाफट से पोकेमॉन सेंटर, वहाँ जाके हील कराएंगे फिर वापस आएंगे प्रॉक से लड़ने के। लेट्स गो अब चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। लेट्स गो। ओके गाइस तो गाइस मैं आ रहा हूँ गाइस पोकेमॉन सेंटर पहुँच जा रहा हूँ। लेट्स गो। ओके गाइस मैं पोकेमॉन सेंटर में गाइस आ चुका हूँ। फटाफट गाइस लेट्स गो गाइस अपने स्कूटर गाइस निकाल लेते हैं फटाफट से। लेट्स गो। ओके गाइस आ चुका है गाइस फ्यूचर सिटी का जिम लीडर मेरे आमने सामने। लेट्स गो। ओके तो गाइस उतारा तो उसका लेवल 12 का और मेरा जो स्कूटर था वो था लेवल 13 का। ओके गाइस तो फिर जो ब्रॉक का जो मैंने गाइस और उसने गाइस उसको मैंने बहुत इजीली हरा दिया जूनिट को एक अटैक से। और इसी फिर गाइस ऑरेंज तो ऑरेंज लेवल 14 का, मैं था लेवल 13 का। तो गाइस फिर भी गाइस होता था पोकेमॉन गाइस ब्रॉक का पोकेमॉन गाइस आगे कमजोर होते हैं। फटाफट गाइस हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट सिटी के लिए। लेट्स गो। ओके गाइस मैंने यहां पर ब्रॉक से जिम मैच के लिए आए। आप कैसे क्या बात कर रहा अपना जिम मैच। ओके ये गाइस मेरा पहला बिल्डिंग बैच। लेट्स गो। ओके गाइस हम कर लेते गाइस कुछ शॉपिंग वगैरह वगैरह कर लेते हैं। लेट्स गो। ला बिला
चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।